गुरसराय झांसी जिले की सबसे बड़ी पेयजल योजना गरौटा गुरसराय पेयजल योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि और जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बजट की कमी के चलते यह कार्य अधर में लटका हुआ है। विधानसभा गरौटा और गुरसराय कस्बों में पिछले कई सालों से पेयजल की समस्या को देखते हुए विधायक जवाहरलाल राजपूत ने पेयजल योजना को स्वीकृत कराया था। यह योजना लगभग 83 करोड़ की है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसके बाद योजना में बजट की कमी के चलते इसका काम प्रभावित हो रहा था। बता दें गरौटा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने इसको लेकर मुख्यमंत्री सरकार से बात की, साथ ही नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को पेयजल समस्या से अवगत कराया। बजट न होने के कारण अब इस योजना पुनर्विनियोग कर स्थानांतरित किया गया है। साथ ही विधायक जवाहरलाल राजपूत ने बताया कि गरौटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दशकों से पेयजल का संकट बना हुआ था। भाजपा सरकार बनते ही पेयजल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिस पर योजना का कार्य शुरू हो गया। यह राशि खर्च होने के बाद कोरोना काल में बजट की कमी के चलते अगली किस्त जारी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने इस योजना में पैसा न होने पर दूसरी योजनाओं की धनराशि को पुनर्वियोग कर गरौटा गुरसराय पेयजल योजना में शिफ्ट किया है। उन्होंने बताया कि अगली किस्त भी जल्द जारी होगी। जब से योगी जी सरकार बनी है तो बुंदेलखंड के ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पानी का संकट रहा है। और एक यहाँ की गरौटा विधानसभा की एक महत्वपूर्ण योजना थी गरौटा गुरसराय पेयजल योजना, तो उस योजना को 1 जनवरी 2019 में स्वीकृत हुई थी और उसमें पहले 1 करोड़ फिर 9 करोड़, और इसके बाद कोरोना काल आ गया तो सरकार ने ऐसा नहीं दिया योजना के लिए। लेकिन अभी तत्काल में अपन लगे इस योजना के लिए और उसमें 6 करोड़ पैसा भी नहीं था, लेकिन 6 करोड़ पुनर्विनियोग से दूसरी अन्य योजनाओं में जो पैसा था उसका अपन ने जो गरौटा गुरसराय की पेयजल योजना चल रही थी उसके लिए जारी कराया और 30 मार्च को ये आदेश हो गया। और इसके लिए हमें सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास जाना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है योगी जी ने और नगर विकास मंत्री जी ने कि आप निश्चिंत रहिए, अभी 6 करोड़ जारी किया, आने वाला जो आपका 21-22 है उसमें और पैसा इसके लिए मिलेगा, जिससे ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर और कम समय में तैयार हो जाए। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट।